दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। गुड़ तो हम सभी खाते हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में गुड़ खाने का सही तरीका बताऊंगी ताकि आपको इसका और भी ज़्यादा लाभ मिल सके। गुड़ जिसे कि इंग्लिश में हम लोग जैगरी कहते हैं, जब भी गुड़ खरीदें हमेशा गहरे रंग का गुड़ लें। जितना ज़्यादा गहरे रंग का होता ना जाता उतना ज़्यादा वो पौष्टिक होता है, आयरन से भरपूर होता है दोस्तों, भरपूर मात्रा में इसमें लोह तत्व होता है, खून की कमी को दूर करता है गुड़ का सेवन। जो लोग एनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों, एक छोटा टुकड़ा गुड़ का रोज खाना है। आप चाहे तो खाना खाने के बाद खाएं, आप चाहे तो सुबह उठते ही एक गुड़ का टुकड़ा खा लें, ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए ये बहुत फायदेमंद है। बच्चों को भी एक छोटा टुकड़ा गुड़ का जरूर दें। गुड़ खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है, हमें एनर्जी मिलती है, और जिन्हें ब्लड प्रेशर है ना दोस्तों, उन्हें भी ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठते साथ गुड़ का पानी पी लें या एक छोटा टुकड़ा गुड़ खा लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, गुड़ का सेवन का एक सबसे अच्छा तरीका यह है, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लें। एक गिलास यहाँ पर पानी लिया है, पानी में मैंने गुड़ डाल दिया है। सुबह उठकर आपको इस गुड़ वाले पानी को पी लें, छोटा टुकड़ा। जो डायबिटिक पेशेंट है, जिन्हें मधुमेह है, उन्हें नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसे इस तरह से डुबा कर रखें और सुबह उठकर आप गुड़ का पानी पी सकते हैं, कई बीमारियां दूर होती हैं। इसके साथ ही साथ जिन जो गुड़ का पानी नहीं पीना चाह रहे हैं, नहीं पी पा रहे हैं, वे लोग चाहे तो खाना खाने के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद एक छोटा टुकड़ा, पहले समय था ना रिवाज कि मीठा खाया जाता खाने के साथ या खाने के बाद, आप उस मीठे की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ जो होता है दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोषक तत्वों का भंडार है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट, ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं जैगरी में, गुड़ में। और ये जो तत्व होते हैं ना, जो कैल्शियम, फास्फोरस, जो अभी मैंने आपको बताया, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जिससे हमें ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से हमें राहत मिलती है। कई बार दोस्तों हमारी हड्डियों में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उम्र के साथ साथ कई बार घुटनों में, कमर में, हाथों में, गर्दन में दर्द होता है। आजकल तो बच्चों को भी जॉइंट पेन होने लगा है, बच्चे बहुत देर तक के लैपटॉप पर, मोबाइल पर काम करते हैं, उससे भी उन्हें गर्दन में, हाथों की कलाई में दर्द होता है, एल्बो में दर्द होता है। आप एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ज़रूर दें। गुड़ खाने के कई तरीके बताऊँगी, एक तो मैंने आपको पानी के साथ बता दिया, जितने बड़े लोग हैं उन लोग तो पानी के साथ ले सकते हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर है उठते साथ लें दोस्तों, बीपी भी कंट्रोल में रहता है। भोजन के बाद गुड़ खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, और जब हमारा पाचन अच्छा होता है तो हमसे कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। हमारे पेट का अच्छा होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बीमारियाँ हमारे पेट से ही जुड़ी रहती हैं, इसलिए हमारे मेटाबॉलिज्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो गुड़ हमारे पाचन को दुरुस्त करता है, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार की समस्या को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है गुड़। आँखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा सर्दी, खांसी, कफ की समस्या है दोस्तों, बदन दर्द की समस्या है, बहुत ज़्यादा कफ छाती में जम गया है, तब भी आप गुड़ का सेवन करें। इसके लिए यहाँ पर मैंने गहरे रंग का जो गुड़ लिया है उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, ताकि मैं इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना सकूं, और ग्रेट कर लिया, सॉफ़्ट हो जाता है ये। इसे गुड़ तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, ज़रा आप हाथ से मस लेंगे ना, ये बिल्कुल नरम पड़ जाता है। गुड़ में मिलाना है आपको हल्दी। हल्दी क्या होती है? हल्दी टर्मरिक एक औषधि है, एक नेचुरल पेन किलर है, ज्वाइंट पेन से आराम दिलाती है हमें, और हड्डियों की सूजन, कमज़ोरी, दर्द से, बदन दर्द से राहत दिलाता है हल्दी का सेवन। जब हम गुड़ और हल्दी को दोनों को मिलाकर एक साथ लेते हैं गर्म पानी के साथ, या ऐसे ही ले लें, दूध के साथ ले लें, गर्म पानी के साथ ले लें, तो ये रेमेडी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। गुड़ और हल्दी को मिक्स करना है, अच्छी तरह से हाथों से मैश कर लें। यहाँ पर मैंने बहुत कम क्वांटिटी का लिया है आपको बताने के लिए, आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं। जब भी बच्चों को सर्दी, खांसी, कफ की समस्या है, आपको जिसको भी है घर में, कोशिश करें दोस्तों एंटीबायोटिक या ये सब दवाई देने की बजाय होम रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करें। ये 100% वर्क करती हैं, और सबसे पहली बात तो इनका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है गुड़ और हल्दी। बस एक गोली खिला दें बच्चों को ये जो मैंने गुड़ और इसकी बनाई है। तो मेरे यहाँ भी जब बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ की परेशानी होती है, सर्दी, खांसी होती है, बहुत पुरानी खांसी हो जाती जो ठीक नहीं होती, आप इसे करके देखें, ये अजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन के दाने डाल सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, परंतु कई बार सौंठ का पाउडर बच्चों के लिए स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए मैंने आज यहाँ सौंठ नहीं डाला है। वैसे ठंड के मौसम में आप इसमें चुटकी भर अजवाइन, चुटकी भर सौंठ का पाउडर ज़रूर डालें। अभी गर्मी बहुत है इसलिए मैंने सौंठ को अवॉइड किया है। और इसके साथ गुड़ खाने का यह तरीका बता दिया मैंने आपको सर्दी खांसी बदन दर्द के लिए। इसके अलावा आप गुड़ और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं, ये भी बहुत पुराने समय से ही लोग खाते हैं दोस्तों। मूंगफली तो सेहत का खजाना है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है बादाम के बराबर इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बादाम हम सब नहीं ला पाते हैं। मूंगफली, एक मुट्ठी मूंगफली जरूर खाएं, 10-12 मूंगफली के दाने और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का जरूर खाएं। कभी भी हड्डियों में दर्द, हड्डियों में सूजन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। प्रोटीन से भरपूर होते हैं मूंगफली के दाने, तो गुड़ और मूंगफली का सेवन भी कर सकते हैं। शाम के समय जब भूख लगती है हमें तब आप खा सकते हैं। आप गुड़ और तिल्ली का सेवन करें, तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, शायद सबसे तेजी से कैल्शियम की कमी को दूर करता है तिल्ली का सेवन, सेसमे सीड का सेवन। एक चम्मच तिल को जरूर खाएं गुड़ के साथ, इसीलिए तो ठंड के मौसम में दोस्तों तिल और गुड़ के लड्डू खाए जाते हैं। क्यों? यही कारण है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी हड्डियां मजबूत रहें, हमें गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द की कोई परेशानी ना होने पाए। पहले तो एक उम्र में ही जॉइंट पेन होता था, आजकल तो कम उम्र में ही ये समस्या देखी जा रही है। तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये सारी मैंने हेल्दी चीज़ें आपको बताई है, रिमाइंड कराया है, शायद आप लोग खाते होंगे, पहले भी भूल गए होंगे या कम कर दिया होगा, तो फिर से स्टार्ट करें। वैसे भी बारिश का मौसम आ गया है, इन चीज़ों को आप ज़रूर खाएं। तिल को चाहें तो भून कर खा सकते हैं, एक चम्मच तिल 100 मिलीग्राम कैल्शियम हमारे शरीर को देता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस रेमेडी को ट्राई करें।